वेलकम टू चितवन नेशनल पार्क। सो गाइज, इन दिस वीडियो हम देखेंगे कि हम चितवन नेशनल पार्क में क्या क्या एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। स्टार्टिंग ऑफ विथ यहाँ का फेमस जिप सफारी, जहाँ पर हम पूरे कंप्लीट सौराहा के चितवन नेशनल पार्क को डिस्कवर कर सकते हैं, अलॉन्ग विथ कमिंग सम बोट राइड्स एंड यहाँ का फेमस एलिफेंट राइड। एंड साथ ही हम जाएंगे यहाँ के वाइल्ड लाइफ म्यूजियम की तरफ। एंड म्यूजियम के पास एक आश्रम भी है विच इज़ वाल्मीकि आश्रम, एंड अलॉन्ग विद इट तो इस वाइल्ड लाइफ म्यूजियम में बहुत ही डिफरेंट स्पीशीज़ को देखने के बाद यहाँ का ब्यूटीफुल सनसेट एंजॉय करेंगे गाइज। अ लॉट ऑफ पीपल एक्चुअली कम दिस प्लेस टू एंजॉय द सनसेट and most importantly Chitwan National Park is famous for the rarest species which is one-horned rhinoceros and Royal Bengal tiger, crocodile and some peacocks and bahut hi really interesting faunas. So this video is gonna be a detailed video of complete Chitwan National Park. तो guys, चितवन नेशनल पार्क आने के लिए हमें आना होगा सौराहा, एंड यहाँ पे आपको बहुत सारे ऐसे टूर एंड गाइड ऑफिस मिलेंगे। तो बेसिकली ये हमें परमिट प्रोवाइड कराते हैं, एंड परमिशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप चितवन नेशनल पार्क में उसके प्रेमिसेस में आ रहे हो तो आपको एक परमिशन तो लगेगी। यू नो, एक नॉर्मल टूर करने के लिए भी आपको परमिशन लगती है विच इज़ अ बेसिक परमिशन। एंड उसके साथ अगर आप कोई एक्टिविटी करना चाहते हो, लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप जिप राइड करना चाहते हो, एलिफेंट सफारी करना चाहते हो, जंगल वॉक करना चाहते हो एंड अ लॉट मैनी मोर अदर स्टफ। तो चलिए अब इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे कि यहाँ पर क्या क्या एडवेंचर एक्टिविटीज़ स्टार्टिंग फ्रॉम 1.5 आवर्स टू अप टू 3 to 4 डेज। तो ये बेसिकली आपके लिए कंप्लीट एक टूर पैक दे जस्ट प्रोवाइड यू। सो दिस इज़ फॉर योर कन्वीनियंस गाइज, कि ताकि आप इसे देखकर कंप्लीट एक आइडिया बना लो। और इस वीडियो के बाद आपके मन में एक भी डाउट नहीं होने चाहिए चितवन नेशनल पार्क आने के लिए। एंड यहाँ पे कितने सारे एक्टिविटीज़ हैं एंड उसके प्राइजेस भी जानेंगे गाइज। कितने सारे एक्टिविटीज़ हैं, वो कब से कब तक स्टार्ट होते हैं एंड उसके प्राइजेस भी जानेंगे। सो दिस इज़ व्हाट द तो यहाँ पे पहले तो द वेरी फर्स्ट इज एलिफेंट सफारी, जंगल वॉक, कैनोइंग ट्रिप, जिप सफारी, EBC विजिट। बर्ड्स को भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा देखा जाता है गाइस, बर्ड्स वॉच, एलिफेंट बाथ। यस गाइस, दैट्स सो इंटरेस्टिंग, दैट्स गोना बी वेरी इंटरेस्टिंग। एलिफेंट बाथ भी देखते हैं, टावर नाइट एंड यहाँ का बहुत ही ऑथेंटिक थारू डांस। तो ये लोग यू नो, यहाँ का एक ट्रेडिशनल थारू डांस है, दे विल ऑल्सो शो यू दैट। तो ऑलमोस्ट 20,000 लेक विजिट होते हैं जिसमें साइकिल एंड सब इंक्लूडेड है, अलॉन्ग विद ये जो विलेज है लुम्बिनी विलेज, इसका भी टूर होता है एंड चिपैंग हिल ट्रेक। तो बेसिकली ये लोग चिपैंग हिल ट्रेक भी कराते हैं, उसमें 3 दिन लग जाते हैं। So we have a 2 hours or 4 hours jeep safari leaving at 1 this afternoon in a group. Since you are only 2, we can mix up with other people, form a group of 10, so that it will be cheaper and more exciting for you. The 2 hour jeep safari will go in the Kumroth Bafordhan sector. We can cover up to 20 to 25 square kilometers. Basically, this safari will be in river and forest and grassland area. In between, we can. We'll go through several watching towers which are wooden or concrete ones, and lake areas like Lami Lake or Gaila Lake. This safari will be accompanied by one of our nature guide, government certified nature guide, who will describe you about all kinds of encountered animals or information about Chitwan National Park or Sauraha. The group is ready now. This trip is leaving for 2 hours safari, so you'll be coming back around 3. If you are staying here today, I will offer you 4 hours jeep safari inside Chitwan National Park, which will go up to Kasara. This is also the headquarters of Chitwan National Park. We can cover about 40 to 45 square kilometers. So at the Kasara there also lies crocodile breeding center. So we will find basically 2 different kinds of crocodiles in rivers of Chitwan, which are rare species of gharial or river monster marsh muggers. These gharial crocodiles eggs are hatched and breeded, kept for breeding in headquarters. So you can visit there. But if you are just here for a day, you can do 2 hours jeep safari, and rest of 2 hours you can do 45 minutes jungle dugout canoe to see two different types of crocodiles. Right after the canoe trip, you can also do some jungle walkings that will lead you up to one of the old age hotels inside Chitwan National Park premises. I have taken my work, like my permit, along with my safari ride. It's a jeep ride basically, so they have cost me this much. जिसमें से वो 3 दिन लग जाता है. तो now this man will just suggest me according to my plan. तो मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 1 दिन के लिए आई हूँ because I just want to cover this place. तो मैं 1 दिन के लिए आई हूँ and he is suggesting me to take 2 to 3 hours of jeep safari. So guys, I'm just all set for the adventure and I just can't wait for the jeep safari guys. मैंने वो tickets ले लिए हैं and this ticket is very important for this visit also. तो मैंने वो tickets ले लिए हैं and it just costed me around 2000 rupees. It's in Nepali 2000 rupees just for myself. And इसी के साथ guys यहाँ पे बहुत सारे these kind of cute little elephant, एक elephant sitting in the ground, ये एक part है. And this cute little elephant just sitting in the ground, इसका एक ही लोगों ने statue बनाया है, which looks so cute. Actually elephant is just so cute. Actually elephants are so cute, I just personally feel that jumbo elephant and and I see a lot of cartoons basically. तो आप लोगों को लगेगा कि क्या मैं अभी भी बच्ची हूँ. तो guys मुझे वो अब भी अच्छे लगते हैं. And whenever I'm with any kind of age group, whenever I'm at any age group, I'm always with I just feel exactly what that person is feeling, So if I'm with a toddler or if I'm with an infant child, you know what? I just feel कि वो बंदा क्या सोच रहा होगा and उसके क्या feelings होंगे अभी. तो जब भी मैं छोटे बच्चे के साथ होती हूँ, I just treat them like कि as if that the way they are feeling वो actually मैं feel करती हूँ. I hope आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाहती हूँ. मैं actually उन लोगों की feelings को actual में like feel कर पाती हूँ. आप इसको मेरा आर्ट समझ सकते हैं, okay? And इसी के साथ I have actually covered that part in my drone video guys. तो वो आपको मेरे drone video का एक अलग section मैंने बनाया है basically. तो आप वो भी check out कर सकते हो in my channel. I'm not attaching that too because this video is already detail about this. This video is gonna be already very lengthy and detailed video of Chitwan National Park. तो आप अगर drone video देखना चाहते हो, definitely watch that after this video, okay? पहले आप इस video को complete देखें. Guys, literally I was just so happy to see this one-on rhino, and to be very honest, I was just not expecting कि rarest species in the world actually. And बहुत ही healthy amount में ये चितवन नेशनल पार्क में ही available है. Available बोल रही हूँ, sorry. ये चितवन नेशनल पार्क में ही पाया जाता है और they are actually very wild. And इन्हें देखने के बाद I was just like for the first time in my life I have just witnessed one-horned rhinoceros. And अभी तक मैंने सिर्फ और सिर्फ पिक्चर्स में देखे हैं, and अभी तक मैंने VFX वाले पिक्चर्स में देखे हैं, and not in the real picture also. Pictures में भी वो real में मैंने नहीं देखे हैं, and of course pictures में भी वो real animals को नहीं लाते हैं. They just do some kind of VFX effect or something like that. So I have seen it, और अभी जब मैं when I just saw it from with my naked eye, I was just it was really very hard to believe. But really guys, मैं इनके साथ selfie भी लेना चाहती थी, but अभी अगर वो मेरे पास अगर आके मुझे मार दे agar wo bhi. But of course guys, they are really very wild, and you have to maintain some distance of course. But वो बहुत मतलब you know दूर में थे, and मैंने तो zoom करके लिया ऐसे. बहुत खुशी हुई मुझे. अभी मैं एंटर करते ही मुझे वन हॉर्न राइनोसोरस से मैं मिल पा रही हूँ, और इससे अच्छी बात क्या हो सकती है गाइस. लिटरली मुझे बहुत ही अच्छा लगा. लेट्स सी आगे क्या क्या होता है. आप लोग मेरे वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहें. आप लोग कमेंट करें कि क्या मुझे रॉयल बंगाल टाइगर मिलता है या नहीं, बिकॉज यू नो इट्स कम्प्लीटली अप टू योर लक. ओह माय गॉड गाइस, एक मोटा हाथी घूमने गया, बकरी की चाल में जाके वो फंसा. ओ माय गॉड गाइस, दिस इज सुपर डुपर क्यूटेस्ट जम्बो हाथी. एंड ये एक्चुअली जम्बो इसलिए कह रही हूँ बिकॉज इट्स अ बेबी एलिफेंट एंड ममा एलिफेंट इज नॉट हियर. एक्चुअली ममा एलिफेंट्स बहुत बड़े होते हैं, बहुत ज़्यादा. आई रियली love this cute baby elephant. आजो baby, आजो आप कितने ज़्यादा क्यूट हो. ओ माय गॉड, आई विश मेरे पास आपके लिए कुछ होता ताकि मैं आपको फीड कर पाऊँ. बट तो गाइस मैं आपको मेन रीज़न, तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं. तो गाइस मैं आपको मेन रीज़न बताऊँ. एक्चुअली क्या है ना कि एलिफेंट राइड्स बहुत लोग करते हैं. इनफैक्ट जिप सफारी के अलावा वो लोग एलिफेंट राइड्स प्रेफर करते हैं. तो मैं आपको आज इस बात का एक सच्चाई बताती हूँ. तो बेसिकली क्या होता है ना गाइस, ये जो एलिफेंट्स होते हैं दे आर सो क्यूट एंड दे आर सो नॉटी ऑल्सो. दे आर वेरी नॉटी. बट गाइस पता है क्या होता है, ये लोग एलिफेंट्स को ट्रेन करने के लिए अपनी मम्मा से पहली बात तो अलग कर देते हैं, और ताकि हम जैसे टूरिस्ट एंड ट्रैवलर्स को ये लोग एंटरटेन कर पाए. तो मैं आपको बता दूं गाइस कि ये जो इनके पैरों को जो जंजीरों से जो इन लोग बांध देते हैं, बिकॉज दे आर सो वाइल्ड. एंड अगर ये चाहे तो ये इनके सामने वो जंजीर कुछ भी नहीं है, यू नो. बट इट्स जस्ट लाइक यू नो पुटिंग अ वॉल इन फ्रंट ऑफ यू, एंड दैट वॉल इज़ जस्ट मेड ऑफ पेपर. ये एलिफेंट राइड्स के नाम पे ये बहुत ज़्यादा एक यू नो नेक्स्ट लेवल टॉर्चर करते हैं, बिकॉज ऑफ कोर्स एलिफेंट्स की स्किन बहुत ज़्यादा मोटी होती है. तो इतने ज़्यादा मोटे स्किन पे अगर आप यू नो एलिफेंट्स को अगर आप समझाना चाहोगे तो उनको बहुत ही डीप लेवल में जाके आपको उनको टॉर्चर करना पड़ेगा, तब जाके वो समझ पाएंगे. या तो इट कुड बी यू नो पुटिंग फायर इन फ्रंट ऑफ देम और समथिंग लाइक दैट. तो इट्स अ रियली वेरी पेनफुल प्रोसेस गाइज. तो इतने पेनफुल प्रोसेस में इन एलिफेंट्स को रहना पड़ता है, और अपने जो मालिक है उनकी बातों को ओबे करना पड़ता है, ताकि वो हम जैसे ट्रैवलर्स एंड टूरिस्ट एंड ट्रैवलर्स को वो इंटरटेन कर पाए, वो ताकि हमें यू नो राइड पे लेके जा पाए. तो इसकी क्या ज़रूरत है गाइस, क्या ज़रूरत है इसकी. यहाँ पे एक जिप सफारी ऑलरेडी अवेलेबल है, और आप बोट राइड पे भी कर सकते हो. अगर हम जैसे ट्रैवलर्स ही एलिफेंट राइड्स के लिए मना कर देंगे तो वो इन एलिफेंट्स को टॉर्चर करना बंद कर देंगे, ठीक है. एंड जनरली हम सर्कसेस में भी देखते हैं, तो आई जस्ट फील सो बैड फॉर देम, बिकॉज वो एक एनिमल है. दे आर सो इंटेलिजेंट कि आप इन्हें जैसे ट्रेन करते हो ये एग्जैक्टली वैसे आपको कॉपी कर सकते हैं, एंड दे कैन जस्ट डू एवरीथिंग यू टीच देम, ठीक है. अब ऑफ कोर्स अभी हम बच्चों को या फिर कुछ लोगों को तो मेरे इस वीडियो को सुनने के बाद भी वो करेंगे. अगर एक बंदा भी मेरी इन बातों को सुनने के बाद अगर एलिफेंट राइड के लिए मना कर देता है, दैट विल मेक अ डिफरेंस, ओके. डेप्थ ऑफ द जंगल में नहीं लेके जा रहे हैं, एंड यहाँ पे वैसे भी रॉयल बंगाल टाइगर मिलना मुश्किल है, ऐसा मुझे लग रहा है, ओके. बिकॉज ऑफ कोर्स यहाँ पे जो अदर पैकेजेस हैं वो बहुत ज़्यादा अदर पैकेजेस भी हैं. मेरे पास तो टाइम भी कम है, मिलना मुश्किल है, बट नामुमकिन नहीं है, तो आप लोग भी गेस करो। ओके विद दिस गाइज, व्हाट कैन यू सी समथिंग? ओह माय गॉड, कैन यू सी? वहाँ पे अगेन आई जस्ट फाउंड वन हॉर्न राइनो एंड इट वाज सो इन अ डेंस ग्रासी एरिया कि ताकि वो हमें विजिबल भी नहीं हो रहा था। एंड वी वर जस्ट वेटिंग फॉर हिम टू कम आउट, बट अगर वो हमारे बहुत क्लोज आ जाए सो इट इज़ सो डेंजरस। दैट्स व्हाई दे ऑलवेज कीप गन, यू नो, शूट वाले गन्स, ताकि वो उन पे शूट नहीं करते हैं, बट यू नो प्रोटेक्शन के सारे मेजर्स होते हैं। हमारे जो गाइड हमें लेके जा रहे हैं एंड उनके पास एवरीथिंग दे हैव टू प्रोटेक्ट अस एक्चुअली, बिकॉज इट्स नॉट अ जू कि आप जू में गए हो एंड दे आर इन अ केज, सो दे जस्ट कैन कम आउट ऑफ इट। वी आर इन अ नेशनल पार्क, सो जस्ट डोंट वरी अबाउट इट, जस्ट ट्रस्ट योर जिप सफारी। जिस सफारी में आप बैठे हो जस्ट ट्रस्ट इट। एंड यहाँ के एनिमल्स को भी, एंड ऑफ कोर्स गाइस एनिमल्स को भी इतना अभी तो फेमिलियर वो हो गए हैं दैट अ लॉट ऑफ यू नो जिप सफारी में ऐसे लोग आते हैं एंड उनको देखने के लिए आते हैं, तो उनको इतना भी मतलब इतना उनको सेंस होता है कि वो ग्रुप ऑफ पीपल पे ऐसे डायरेक्टली अटैक ना करें। बट अ लॉट ऑफ केसेस आई हैव सीन एक्चुअली कि ऐसे बहुत सारे यू नो वो अगर बंच में आ गए, रॉयल बंगाल टाइगर अगर बंच में आ गए तब तो फिर एंड बहुत ज़्यादा ऐसा भी माना गया है गाइस, लाइक लिटरली बहुत लाइक साल में तो अप्रॉक्सीमेटली बहुत सारे लोग अपने जान गवा देते हैं। एंड मैंने बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स एंड न्यूज़ भी देखा है एक्चुअली, इसके बारे में मैंने पढ़ा है। एंड नंबर ऑफ बटरफ्लाईज, मॉथ एंड इंसेक्ट स्पीशीज, तो जितने भी इंसेक्ट स्पीशीज है वो तो एन नंबर ऑफ है। Apart from king cobra and rock python, 17 other snakes, state tortoise, monitor, lizard, occur, lot many more. तो ये जो नारायणी राप्ती रिवर है इसमें 113 recorded species of fish and मगरमच्छ which is crocodiles हैं एंड 235 गेरियल्स हैं। गाइस लिटरली ये जो रिवर है इसकी पानी इतनी ज़्यादा क्लिस्टर क्लियर है कि आप ऐसे देखो कि पूरा कंप्लीट जो बादल है यू नो वी कैन सी द क्लाउड्स हियर इन द यू नो इन द फॉर्म ऑफ रिफ्लेक्शन। तो अभी तक मैंने सिर्फ और सिर्फ मतलब मैंने तो कभी लाइक रियल लाइफ में अपने फेस को पानी के अंदर तो नहीं देखा है, पर ये जो मैं देख रही हूँ यू सी पूरा कंप्लीट क्लाउड्स आप इस पानी में देख पा रहे हो, तो आप समझ जाओ कि ये पानी कितना ज़्यादा क्लिस्टर क्लियर है। Although there are so many impurities in it, but क्योंकि ये sunny day है and बहुत ही अच्छा weather actually बहुत ही अच्छा है। So guys, in Chitwan National Park it's a hunt of more than 700 species of wildlife and not yet fully surveyed. The number of butterflies, moth and insect species, तो जितने भी insect species है वो तो n number of है। Apart from king cobra and rock python, 17 other snakes, state tortoise, monitor, lizard, occur, lot many more. तो ये जो नारायणी राप्ती रिवर है इसमें 113 recorded species of fish and मगरमच्छ which is crocodiles हैं and 235 gharials हैं, many more to count. इसी के साथ can you see the deer? Can you? Actually, ये जो deer है ये actually focus नहीं कर पा रहा है because of the distance between the camera and the वो जो focal length की जो distance होती है तो वो actually एक चीज़ को ही focus कर पाता है। तो अगर deer was in center, अगर वो बन पाते so it would be much more better actually, but sorry it's not visible, but it is visible from my naked eye. So dear, oh my dear, I love you. Okay dear, actually deers are very good, actually deers are so I think deers are so innocent actually, I think all the animals are so innocent, but I think deers are really very nice creature, I think. And I think we should appreciate every near and dear, and we should always share my videos with your near and dear. तो आप लोगों को मेरे वीडियोस को भी नियर एंड डियर के साथ शेयर करने चाहिए, ठीक है? अपने नियर एंड डियर वंस के साथ आप मेरे वीडियोस को ज़रूर शेयर करें। आई थिंक मैंने इसके साथ इस वर्ड्स के साथ कुछ सिंक्रोनाइज़ करवा पाई हूँ, यानी आप मुझे ज़रूर बताओ मैं सिंक्रोनाइज़ करवा पाई हूँ ना। आई थिंक इफ़ यू आर बीइंग एंटरटेन्ड by this video, I will be really very grateful for it. इसी के साथ मुझे और भी मोर दिखाई देते हैं. So sorry for this shake of the camera actually, क्योंकि you know always attaching the, actually all these are just a clips of my entire journey. So you know always attaching the gimbal is not possible all the time, but I always try to you know attach it, but it's a little bit shaky. Manage it. Here comes the focus. आप थोड़े से focus में आ जाइए. मुझे लगता है कि peacocks बहुत ही अच्छा डांस करते हैं, and I think white peacock को देखने का मेरा बहुत ज़्यादा मन है, because they are very rare. And I think मैं कहीं तो जहाँ पे वाइट पिकॉक्स होंगे I will definitely visit that place, और उनके डांस भी देखने हैं मुझे, because you know बारिश के मौसम में जब बारिश होती है वो इतना अच्छा डांस करते हैं ना गाइस, लिटरली मैंने सिर्फ वीडियोस में देखे हैं, मुझे रियल लाइफ में उसे विटनेस करना है. And here we found something. नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, बाकी जो बचा था काले चोर ले गए. तो मोर के ऊपर तो मुझे यही गाना आता है, और तो मोर के लिए तो मुझे यही गाना सूट कर रहा था. एंड इसके अलावा भी बहुत सारे सॉन्ग्स हैं. मोरनी बागा माँ बोले आधी रात को छिन छिन चूड़िया. ओके गाइज, तो क्या आपने अभी कुछ देखा? सो इन दिस मडी सैंड देयर इज ऑल्सो समथिंग. ओके सो लेट मी जस्ट ज़ूम इट. सो क्रोकोडाइल्स. हे कॉकी कि अब मेरी थोड़े पेट पूजा भी हो जाए. सो एक बहुत ही अच्छी चीज़ मुझे यहाँ पे नेपाल की ये लगती है कि ये लोग पानी पूरी जब सर्व करते हैं, तो चाहे आप किसी छोटे से स्टॉल में जाओ, चाहे कहीं भी जाओ आप, वो आपको अलग से दे विल जस्ट गिव द वाटर सेपरेटली, एंड इट इज़ सो कन्वीनियंट टू पुट वाटर अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, एंड आप जितना पानी इसमें डालना चाहो. सो इट्स अ रियली गुड पार्ट अबाउट हियर. ये मुझे बहुत ही अच्छी लगती है इसकी. एंड यहाँ का फेमस नमकी, ये आप कैसे भूल सकते हैं. सो इट्स कॉल्ड नमकी एक्चुअली. आई डोंट नो इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट. तो यहाँ का बहुत ही फेमस ये भेलपूरी है गाइस. तो ये बहुत ज़्यादा मैंने यहाँ पे लाइक बहुत सारे स्टॉल्स में मैंने खाए हैं, एंड कुछ स्टॉल्स में तो गाइस लिटरली इतने ज़्यादा स्पाइसी इन लोगों ने बनाए थे कि वो बट वो बहुत ही टेस्टी भी था, यू नो. बट जितना ज़्यादा टेस्टी था तो आपको फिर दूसरे दिन नहीं पता लगता है. And the spices they mix is really very nice. I think I should really appreciate for this namki actually. मैंने इतना best namki चाट most of the shops में मैंने अच्छे खाए हैं. So here comes the wildlife museum actually of Sauraha Chitwan National Park का है. And it is NTNC, which is National Trust of Nature Conservation. तो इसी के साथ अभी हम यहाँ पे जाएंगे. There is also an ashram of Valmiki. It's a Valmiki ashram inside this area. तो यहाँ पे एक म्यूजियम है, यहाँ पे actually elephants मिलेंगे and a lot of stuff actually. I was just lagging for the time, वरना मैं इस पूरे area को actually cover करना चाहती थी. Actually I was just lagging for the time, but of course guys जितना मेरे से हो पाएगा I will just you know document my entire journey in this video actually. तो guys मैं honestly अगर आपको बताऊँ ना, तो यहाँ पे बहुत कुछ होते हैं. I mean you won't believe, but I know it's hard to believe, but really guys, यहाँ पे एक थारू डांस होता है, which is the tradition of this place. तो यहाँ पे थारू डांस होता है and you have to stay for a day and यहाँ पे and there are so many other species and बहुत सारे ऐसे यहाँ पे बहुत सारे different species हैं, especially birds को भी देखने के लिए आते हैं. Thinking of कि मैं वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी भी करूँ, but वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करना is not an easy task at all. You have to be very patient and बहुत बार you just get injured and a lot of time you have to stay in a jungle for months and months and वो जंगल में आपके पास खाना भी ख़त्म हो जाता है and Man vs Wild में मैंने तो देखा है जो नेशनल ज्योग्राफी में आता है, तो वो जो मैन वर्सेस वाइल्ड का जो बंदा है वो दैट्स अ रियली एडवेंचरस स्टफ ही डू. तो चलिए इसी के साथ हम चितवन नेशनल पार्क के कुछ डिटेल्स जान लेते हैं. सो गाइस, चितवन नेशनल पार्क इज द फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ नेपाल एंड it was established in 1973 as Royal Chitwan National Park and was granted the status of UNESCO World Heritage Site in 1984. So and it covers the area of 952.63 km². So this is so huge और एक दिन में ऐसे cover करना is just not possible for me as well. But a lot of my fam is actually asking me कि आप लुम्बिनी नहीं जाओ, आप चितवन नेशनल पार्क को भी cover कर रहे हो. And I was just so curious about कि मैंने पहले day one में ही I have decided in my mind कि मैं these are the places which should not be missed at all. तो मैंने पहले ही दिन में ही सोचा था, तो अगर मैं नेपाल आ रही हूँ तो these are the places I should definitely cover. माउंट एवरेस्ट बेस कैम्प के अलावा मैंने बहुत सारी चीज़ें सोची थी जो सब कुछ मैंने कवर किया है and this is the last video of this series. And मुझे ये बोलते हुए बहुत ज़्यादा I'm so emotional to say this कि ये मेरा लास्ट वीडियो है ऑफ नेपाल सीरीज़. आई विल मेक अ कम्प्लीट वीडियो अबाउट इट, तो वो थोड़ा सा लंबा हो सकता है बट आई विल मेक अ कम्प्लीट नेपाल वीडियो ऑफ दी सीरीज़. इन सभी सीरीज़ को मैं आई विल मिक्स अप, आई विल मेक अ डिफरेंट वीडियो अबाउट नेपाल. आई कैन मेक आइटनरी फॉर यू ऑल. आई विल शो यू सम ऑफ the hidden and some mysterious dark part of Nepal. But series का तो guys ये last video ही है, so इसके बाद नेपाल के videos मेरे channel पर आएंगे जब मैं next time वापस से नेपाल आऊँगी. Because Nepal is a place which has actually taken my heart and of course नेपाल से ही मेरी journey start हुई है. So with God's grace अगर आप लोगों का प्यार ऐसे ही बना रहेगा so I will definitely come back. And इस बार जब मैं नेपाल आऊँगी तो कुछ बहुत ही different and बहुत सारे लोगों ने मुझे मनांग एंड मुस्तांग के बारे में बताया था. उन लोगों ने बोला वहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छा स्नो वगैरह होता है, बहुत ठंड है and that's the place you should definitely visit. But I was just completely packed for the day and मेरे सारे schedule fixed थे, तो I'm just not covering that places. और मेरा जो ट्रैक का जो प्लान था it could be अन्नपूर्णा ट्रैक और माउंट एवरेस्ट बेस कैम्प और एनीथिंग, तो वो सब भी मेरा रह गया है. एंड ऑफ कोर्स गाइस, कुछ अधूरी ख्वाहिशें ही तो हमें अपनी ज़िंदगी में वापस से रिफ्रेशमेंट लाती है. तो अब वो जो चीज़ें मैंने अभी तक नहीं करी है वो चीज़ें करने में वापस से आऊँगी, ज़रूर आऊँगी. और आप लोगों की रिक्वेस्ट अगर बहुत ज़्यादा हुई देन आई विल जस्ट डू अकॉर्डिंगली. जो जो आप लोग बोलोगे आई विल जस्ट कम बैक अगेन. बट unfortunately but the fact as of now is this is my last video of Nepal. And if you're watching this video for the first time, so let me introduce myself. So I am Supriya Shukla, travel blogger, and I have made a complete video about Nepal and आप मेरे channel पे वो videos भी check out कर सकते हो. That is all about Nepal, that is all about Kathmandu, Pokhara, and it's gonna be very detailed video about each and every part I have visited in Nepal, so that you'll just have an idea about these places in Nepal. And if you are planning for Nepal, तो आप मेरे वो videos भी ज़रूर check out करें. और अगर आप plan नहीं भी कर रहे हो तो भी आप मेरे videos इसको देख के एक वर्चुअल टूर ले सकते हैं. ओके सो गाइस माय मोटो ऑफ दिस चैनल इज आई नो a lot of my fam is from Nepal and they are watching these videos जो already they have visited once in their lifetime. मतलब they have already visited these places और उनको बहुत अच्छा लगता है. you know they can actually relate these things. तो अगर आप किसी प्लेस में गए हो और अगर आपको वही प्लेस का अगर किसी और ने वीडियो बनाया हो तो आपको अच्छा लगता है ना कि हाँ मैं यहाँ पे गई थी, यहाँ पे ये चीज़ें हैं. लेट्स सी इस वीडियो में वो क्या क्या चीज़ें दिखा रहे हैं. सो एक रिफ़्रेशमेंट ऑफ माइंड होता है एंड हमें वो लगता है कि हाँ यार इस वीडियो में इस प्लेस में मैं गई हूँ और इस प्लेस में वो चीज़ क्या दिखाने वाली है. लेट्स सी व्हाट शी इज़ गोना टॉक अबाउट इट. A lot of things, you know. So we always create memories. We always just think about these things. We always create memories. So वो हमारे subconscious mind में already होती है. तो जब हम वो चीज़ देखते हैं कि जो हम like you know we can easily relate these things actually. So that's the end result कि आपको मेरे वीडियोस इसलिए अच्छे लगते हैं एंड थैंक यू सो मच फॉर दीज गुड रिस्पॉन्सेज गाइस. आई एम सो ग्लैड टू मेक दिस फैम. आई एम सो ग्लैड एंड प्राउड टू हैव दिस फैम एंड आई विश दैट इट्स एंड आई जस्ट वांट कि इसमें और भी लोग ऐड हो. अगर आपको मेरे वीडियोस एक्चुअल में अच्छे लगते हैं ना तो आप अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ एंड यू नो यू कैन शेयर इट बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग गाइज. जब भी मैं छोटे बच्चों को खिलाती हूँ सो आई जस्ट प्ले सम म्यूजिक लाइक एक मोटा हाथी घूमने गया बकरी की जाल में जाके वो फंसा. सो ऑब्वियसली गाइज there is no logic. okay आप एक छोटे बच्चे के साथ हो so there is no logic about it. तो एक मोटा हाथी है तो जब भी मैं ऐसा you know whenever I see elephants I just get so crazy. although elephants can be you know dangerous and obviously elephants just not all elephants just want to harm you but वो अगर आपके साथ normally भी cuddle करने के लिए आते हैं they may harm you because they are so massive. of course वो इतने बड़े हैं they are so massive और वो आपके साथ अगर सोचो अगर आपके साथ खेलने आ रहे हैं या फिर they are just coming towards you to cuddle you तो आप समझ सकते हो कि आपका हाल क्या हो सकता है no matter आपका size जो भी है. and you know there was something in the air and I just couldn't believe that this sunset is the really magical sunset of my life and really this is so stunning, so beautiful and this is it for today's video guys. if you really liked it and don't forget to subscribe to the channel if you haven't already.